गर्मियों का मौसम शुरू होते ही लोग खूब तरबूज खाते हैं। तरबूज ऐसा फल है जिसमें फाइबर और पानी दोनों भरपूर मात्रा में होते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी गर्मियों में तरबूज बड़े चाव से खाते हैं। ऐसे में बाजार में केमिकल वाले तरबूज की शिकायत भी कई बार सामने आती रहती है। इसी के चलते उप निदेशक खाद्य सुरक्षा विभाग अनुज थपलिया के नेतृत्व में नैनीताल जिले की टीम ने हल्द्वानी के सबसे बड़े फल मंडी में छापेमारी की और फलों के नमूनों को जांच के लिए भेजा। इसी दौरान उपनिदेशक खाद्य सुरक्षा विभाग अनुज थपलिया ने बताया कि हमें लगातार शिकायत मिल रही थी कि तरबूज के अलावा अन्य फलों को केमिकल और इंजेक्शन से पकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद ही छापेमारी की गई है, लेकिन अभी तक तरबूज में किसी तरह की कोई शिकायत सामने नहीं आई। उसके बावजूद भी सैंपलिंग की कार्यवाही की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। गर्मी का समय जैसे आता है तो आम है, आम केला और तरबूज इस तरह के फलों में कुछ इस तरह का संदेह होता है कि कार्बाइड का या फलों का इस्तेमाल होता है, तो इसी को देखते हुए हमारे कमिश्नर साहब के आदेश पर और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जो अनुज कुमार थपलिया के नेतृत्व में आज कार्रवाई की गई है। तो इसमें मंडी में पहले हम लोगों ने निरीक्षण किया तो मंडी में जो केले का जो पकाने की जो व्यवस्था है, आम की उसकी जो पकाने की व्यवस्था है और जो तरबूज है, इन चीज़ों का निरीक्षण किया तो कुछ हमने केले के और आम के सैंपल लिए हैं, उनको लैब में भेजा है और उसके अलावा तरबूज का हमने मौके पर निरीक्षण किया है तो मौके पर देखने में तो ठीक लगा है, लेकिन लैब में भेजा है कैसे भी रिपोर्ट आई उस हिसाब से कार्रवाई कर रही है। तो इसमें हम लोगों को ये भी जागरूक कर रहे हैं कि जो कार्बाइड है वो बैंड है, उसकी जगह एथिलीन जो है, इथाफोन जो है वो परमिटेड है, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव है, उसी के सैशे से पकाए जाने का प्रावधान है, उसी को हम देख रहे हैं कि उसी से पकाया जाए अगर पकाने की व्यवस्था है तो। इसके अलावा हमने यहाँ मंगल पड़ाव में भी निरीक्षण किया, यहाँ से भी हमने केले के और आम के सैंपल लिए हैं, लैब में भेजा है ये चेक करने के लिए कि कहीं कार्बाइड से तो कोई नहीं पका रहा है। तो इस तरह की अगर कोई भी पुष्टि होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।